अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समूल समाधान होने का योग बन रहा है। स्थितियां अनुकूल है, चतुर्थिक लाभ का योग बन रहा है। संततियों से मन प्रसन्न रहेगा। संतान के टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, संतान की चिंता समाप्त होगी। धर्मार्थ कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दूर होगी। अगर आप कोई पूंजी निवेश करते हैं तो लाभप्रद होगा। नौकरी में लाभ मिलेगा। यात्रा मंगलकारी रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण करें और एकाग्र होकर के अपने कार्य को करें। बड़ी सफलता आपकी राह देख रही है। उपाय क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र दान करें या दूध या दही गरीब को खिलावें। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर के साथ हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 12 जुलाई 2024, दिन है शुक्रवार, षष्ठी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। परिधि योग है, तैतिल्यकरण है। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:31 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। सूर्योदय होगा सवेरे 11:05 पर। चंद्रास्त होगा शाम को 11:08 पर। आज चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में। आज का जो शुभ समय है वो है प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 10:42 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। आज आपको क्या ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा कन्या राशि में है, तो आज आपकी जो भी विजन है, आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ कल पर न टालें, प्लानिंग करके करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर शेयर होगा तो आदमी पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई कार्य आपको नहीं करना है। कोई नया टेक्निकल कार्य करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त में ही कार्य की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यात्रा अगर पूर्व निर्धारित है पहले से, तो आप क्या करें कि एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपके लिए यात्रा लाभप्रद हो जाएगा। तो ये अगर ये सब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम श्रीम श्री नमः। ये जो महामंत्र है, जगत की अधिष्ठात्री देवी विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी जी का मंत्र है। यदि आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, परेशान है और लाभेश और धनेश की दशा चलने के बावजूद भी आपको धन नहीं मिल रहा है, ऐसे परिस्थिति में आप कमल गट्टे के माले से कम एक माला, तीन माला प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपके पास धनागम होगा, धन लाभ होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान की स्थिति आपकी अच्छी होगी। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन विदेश जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको खेल के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, किसकी पुस्तक पुरस्कृत हो सकती है, कौन विदेश जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन विधि के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेगा, कौन मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करेगा, किसको पत्रकारिता के क्षेत्र में आज लाभ मिलेगा, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे।